व्हाट हैपन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नाइफ की जो दो पोजीशन के बारे में, एक इस साइड किसी ने नाइफ रखा है और दूसरा इस साइड नाइफ रखा हुआ है। इस पोजीशन में पहली चीज़ क्या है कि हम सरेंडर कर देंगे, हम उसे कहेंगे कि लीव मी, मुझे छोड़ दो, जो भी तुम्हें बोलना है, ऑलराइट, एंड ही इज़ पुटिंग द नाइफ हियर दिस साइड। अब इसमें ये चीज़ समझनी जरूरी है कि अगर मैंने गलती से भी इसे इस तरफ को पुश किया तो अपनी गर्दन कटेगी, जब इस तरफ को है तो यहाँ कट करेंगे तो अपनी गर्दन कटेगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है इसकी, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मीन्स फर्स्ट टाइम वीडियो देख के अगर आप करते तो कोई बेनिफिट होगा नहीं, लेकिन दो तीन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि मुझे किधर को पुश करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी बॉडी टेलीग्राफ ना करे। मैं बहुत आराम से इसे बोल रहा हूँ कि जैसे ही तुझे मेरा हाथ अपने हाथ पर टच हो तुझे कट कर देना है, ठीक है, तुझे जैसा ही लगे कि मैं यहाँ मूवमेंट कर रहा हूँ तो तुझे इधर को कट कर देना है, सिंपल, ऑलराइट। सो बॉडी को टेलीग्राफ नहीं करना है, मीन्स हम ये नहीं कर सकते अगर मैंने ये किया तो ये कट कर देगा, ये ऑलरेडी गर्दन में है, तो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने कम मूवमेंट किया। उसके लिए ट्रिक क्या है कि हमारे जो शोल्डर हैं वो बिल्कुल मूव नहीं होने चाहिए, आपके हाथ जो हैं जब मूव हो तो टारगेट पर ही हों सीधे। तो मैं यहाँ पर हूँ, उसने किया, मैंने कहा उसे कि जो भी है कि मुझे छोड़ दो और अपना जो पोजीशन है शोल्डर थोड़े से अप कर लो, क्योंकि अगर इन केस मैं यहाँ पर हूँ नाइफ कट भी हो जाता है तो फेस ही कट करेगा, ऑलराइट। इस तरह से आपको करना है, यहाँ पे है, जब डू एंड डाई की सिचुएशन होती है तो वहाँ पर हमारा एक ही जो ध्येय है या एम है, गोल है, वो है घर जाना। तो इनकेस मेरा फेस कटता और मैं घर जा पाता हूँ तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके देने का कुछ चीज़ ऑप्शन है, अगर वो आपसे फ़ोन वॉलेट वगैरह कुछ मांग रहा है तो आप सिंपली उसे दे सकते हैं, बट अगर आप रीड कर जाते हैं कि वो आपको हार्म करने के लिए ही वहाँ पर आया है या आपको वहाँ से कहीं ले जाने के लिए आया हुआ है तो आपको फाइट बैक करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे है, जैसे मैं मूव करूँ तो मैं इसको कट करना, ऑलराइट, रेडी, यहाँ पे हूँ, ऑलराइट, सी मैंने क्या नहीं किया, टेलीग्राफ नहीं किया है, यहाँ पे हूँ, कट करना, ऑलराइट, दिस इज टू, तीसरा कट करना, जैसे तुम्हें लगे कि मैं हटा रहा हूँ कट करना, थ्री फोर, तुम्हें इधर को कट करना है, ओके, फाइव, ओके, यस, ओके, फाइव। तो फाइव केसेस में क्या हुआ कि मैंने एटलीस्ट इसको हटा दिया है, इस साइड को। अब इस साइड रखोगे, ये नाइफ है, मैंने इसे अप कर दिया कि नहीं प्लीज़ काटो मत, ऑलराइट, अब तुम्हें क्या करना है, फिर से कट करना है, टू थ्री फोर। अब इसके बाद आती है आपकी ट्रेनिंग। अगर आपको एंगल्स का अच्छा नॉलेज है और आपने काली या सिलाट किया है ट्राई या आपको आता है तो आपको समझ में आएगा कि जब यहाँ से नाइफ हटेगा, ठीक है, यहाँ पे है, अब तुझे रेजिस्ट करना है, अब उसे क्या करना है, रेजिस्ट करेगा, तो जैसे ही रेजिस्ट का मतलब होगा कि तुझे अपना नाइफ खींचना है और दोबारा से अटैक करना है, ठीक है। नाउ सी वेयर आई एम, यहाँ पे देखो, पोजीशन देखो, मेरा जो हाथ है इसके ऊपर है, आई कैन टैप हिम, आई कैन हिट, आई कैन एल्बो। अब कई सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, ये जो सेकंड हैंड है इससे क्या होगा, तो ये हमारा इतना अच्छा रिएक्शन होगा, इस साइड मेरा हाथ है, मैंने इसे क्या किया, टैप किया है और हिट किया बॉडी पे, व्हेन आई हिट आई कम बैक एंड आई पुश ऑन ग्राउंड और आई कैन पुल इट इफ इट ऑल राइट। तब इसलिए थोड़ा सा ट्रेनिंग में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब ये तो रबर नाइफ है फिर भी इससे थोड़ा बहुत लगता है, बट अगर कोई आपके पास लकड़ी का नाइफ है या कोई है थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे है वन, इस साइड जब ये आपका लॉक है, पुश इट एंड नाउ कैन कम, यू कैन कट,
दिस साइड राइट, इवन आई एम रिलैक्स और तुझे कट करना है राइट, जैसे मेरा हाथ यहाँ है यहाँ से हटा रहा हूँ, वैसे जो सेल्फ डिफेंस में आपको ध्यान रखना है, हमेशा अपने हाथ अपने चेस्ट के क्लोज रखिए, उसे बोलिए कि मुझे कुछ नहीं करना है, हाथ यहीं कहीं रखिए राइट, और जैसे ही आपको मौका मिलता है पूरा ट्विस्ट हो जाइए ओके, दिस इज कट करना है राइट, टू थ्री, एंड अगर आप सिंगल हैंड से कर सकते हैं पुश, अब देखिए ये आपकी पोजीशन है, यहाँ से हमारा ये डिसार्म गर्दन में, यहाँ से हमने डिसार्म किया एंड देन वी वी गो हियर ऑलराइट, ठीक है। तो नाइफ, जब भी नाइफ अटैक की बात हो या आप कहीं पर हो, पहला रूल है आपको करना है सरेंडर, टोटली सरेंडर कर लो कि मुझे कुछ नहीं करना है ऑलराइट, बट जब वो कोशिश करे कि मेरे साथ चलो या कहीं चलो, तो इसका मतलब है एबडक्शन का केस है या आप किडनैप हो रहे हो, तो आपको क्या करना है वहाँ पे फाइट बैक करना है, बट वाइजली थोड़ा सा दिमाग लगा के, और कम से कम इसे आपको 1000 बार तो प्रैक्टिस कर ही लेना है, अदरवाइज आप इसे पुल ऑफ नहीं कर पाओगे, आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पर है तो पहला रूल है आपको सरेंडर करना है, दूसरा ये है कि अगर आपके पास कोई सामान है तो आप उस सामान को पूरा वापस दीजिए, तीसरा जब आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो आपको फाइट बैक करना है, फाइट बैक किसी भी सिचुएशन में आपको करना ही है, अगर आपको ये टेक्निक आती है नहीं आती है, बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये टेक्निक आएगी, और आपको अपना जो बॉडी का टेलीग्राफ है, मींस टेलीग्राफ का मतलब होता है कि आप दूसरे को बता रहे हैं अपने बॉडी मूवमेंट से कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तब इन केस मैं करता हूँ, अब देखो मैं शोल्डर अप करूँगा तुम्हें कट करना हो राइट, कट कट, इतने में तो आपकी गर्दन में एक कट लग चुका है, कट, अब देखिए अब कट करना, अब मैंने शोल्डर मूव करना बंद कर दिया, यहाँ पे है दिस इज सी बूम स्लैप गो टेक द नाइफ हिट इट बैक, सो दिस इज योर मूव, एंड फॉर दोज हु आर लर्निंग मार्शल आर्ट्स, इफ यू आर दिस साइड राइट एंड योर हैंड्स आर हियर, यू आर गोइंग बैंग, सो दिस इज योर लॉक, यू कैन ब्रेक द हैंड, नाउ यू विल आस्क, सम पीपल विल आस्क ओके व्हेन आई एम पुटिंग दिस लॉक व्हाई दैट पर्सन इज नॉट हिटिंग विद दैट हैंड, उस हाथ से क्यों हिट नहीं हो रहा है, होता क्या है कि हमारी बॉडी का अगर एक पॉइंट हम कंट्रोल कर लें कहीं पर अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे, तो उसका वो जैसे मुझे वो हिट करो, सी व्हाट हैपन, वो ग्राउंड पे चला गया, तो आपको एक बॉडी पॉइंट इतना अच्छे से कंट्रोल करना है कि दूसरा काम ही ना करे ओके, सो लाइक दिस आई एम हियर, अब मुझे पता है कि ये लॉक है, अब वो वहाँ से हिट करता है, आई गो दिस साइड एंड आई पुट होल प्रेशर हियर एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ पेन ओके, गो दिस साइड देन दिस टेक नाइफ यू कैन कट एंड यू कैन गो होम दिस इज, बट सेल्फ डिफेंस इज नॉट ऑलवेज ब्यूटिफुल, कोई बहुत सुंदर चीज़ दिखती नहीं है हमें, इट्स डर्टी, अगर आपको सही से सेल्फ डिफेंस सीखना है यू विल हैव टू ट्रेनिंग डर्टी, आपको ये पेन लेना पड़ेगा, अगर आप सेल्फ डिफेंस बहुत ईजीली सीखना चाहते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सेल्फ डिफेंस हमेशा हार्ड ही होगा, और आपको नाइफ पे फाइट करना, एल्बो एंड गो दिस वन दिस वन दिस लाइन हिट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, एक सिंगल टेक्निक, मैं सभी को कहता हूँ सिंगल टेक्निक वर्क नहीं करती है, तो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल मिलते हैं अगले वीडियो में।